जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाट लो बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं एसएससी जीडी की अगली भर्ती का, क्योंकि आप सभी को पता है अभी एसएससी जीडी के मेडिकल शुरू हो गए हैं 2023 वाली का, और अब बच्चे इंतजार कर रहे हैं 2023-24 की एसएससी अगली भर्ती का। एक मैंने वीडियो डाला था अभी दो चार दिन पहले की एसएससी जीडी की जो भर्ती है, वो बच्चे ज्यादा नेगेटिव ना हो ना ही डिमोटिवेट हो कि ये वैकेंसी अभी बहुत समय लेके, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस वैकेंसी को अब ज्यादा दिन नहीं है, अक्टूबर नवंबर के महीने में इस वैकेंसी के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि किस डेट को इसके एग्जाम होंगे, कब से फॉरम में अप्लाई होंगे और कौन कौन बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। वैसे इसका एज क्राइटेरिया मैं आपको बता दूं, जनरल के लिए 18 से 23 साल रहने वाला है, ओबीसी के लिए 18 से 26 साल और एससी एसटी के लिए 18 से 28 साल। हाँ, जो 25 साल इस बार जो एज रिलेशन दिया गया है ना, वो इस बार नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। काफी सारे बच्चे बोल रहे सर इस बार भी एज में छूट मिलेगी क्या? नहीं, इस बार एज में छूट नहीं मिलेंगे। एक पोस्ट ऑफ वैकेंसी के बारे में काफी मैंने देखे कमेंट, बच्चे बोल रहे सर 87,000 की वैकेंसी नहीं आएगी, कुछ बोल रहे इससे ज्यादा आएगी, कुछ बोल रहे इससे कम आएगी। देखो, ये तो मान के चलो कि एसएससीजीडी की वैकेंसी आएगी ऑल इंडिया में, आपको पता लगभग 8 से 9 पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए एसएससीजीडी से जवान भर्ती होते हैं, 8 से 9 फोर्स के लिए, जो भी चुनिंदा फोर्स को आप जानते हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इन सब के आपने नाम सुने, इन सभी में एसएससीजीडी के थ्रू ही जाते हैं। तो ये वैकेंसी कम से कम भी 50,000 की रहेगी, ये ध्यान रखना। अगर कम से कम, वैसे अनुमानित जो वैकेंसी है वो 87,000 की है, 87,000 पदों पर अगली वैकेंसी होगी, लेकिन कम से कम भी रहेगी तो 50 से 60,000 से कम नहीं रहेगी, और 50-60,000 पोस्ट एक साथ किसी भर्ती में आना बहुत बड़ी बात है। बच्चे बोल रहे सर तैयारी कब से शुरू करें? जैसे काफी बच्चे को मैंने बताया था कि ये महीना अकेडमी में एडमिशन का है, इस महीने में लास्ट तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों ने कॉल किया कि सर एसएससीजीडी की भर्ती आएगी तब आएंगे हम। नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, भले आप ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी करो या ऑफलाइन अकेडमी ज्वाइन करो, लेकिन करो अभी से ही। मैं ये नहीं बोल रहा आप अकेडमी ही आ जाओ, अगर आपकी तैयारी इससे पहले आपने कहीं पे भी कोचिंग वोचिंग नहीं किए तो आपको जरूर अकेडमी ही आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी से तैयारी करोगे अकेडमी आने का फायदा है कि अभी आप एक तो दिल्ली पुलिस का बेस ज्वाइन कर लोगे, अगर दिल्ली पुलिस की नहीं भी करोगे तो अभी से अगर आप एसएससीजीडी की तैयारी करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। अगर नहीं आप पाते तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऑनलाइन माध्यम को ज्यादा बेटर नहीं मानता ऑफलाइन के बजाय। ऑफलाइन में जो बच्चे जो चीजें सिखाई जाती है ऑनलाइन में नहीं सिखाई जा सकती कभी भी, वो निरंतरता नहीं बनाई जा सकती। तो काफी सारे बच्चे बोले सर अक्टूबर नवंबर में, नहीं ऐसी गलती मत करना, उस समय कोई एडमिशन नहीं लेगा आपका। जब वैकेंसी के 2-3 महीने रहेंगे तो कौन एडमिशन लेगा, और 3 महीने में नौकरी कैसे लग जाएगी मुझे ये भी बता दो आप। वैकेंसी 100% कंफर्म है, इसमें शक मत रखना, 100% एसएससीजीडी की, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है 2011 से लेके अभी तक कि एसएससीजीडी की पिछली वैकेंसी क्लोज होते ही नई वैकेंसी की घोषणा हो जाती है। और मैं आपको बता दूं अगस्त के महीने में ये वैकेंसी क्लोज हो जाएगी, 10 अगस्त को मेडिकल हो जाएंगे, अगस्त लास्ट तक इसका रिजल्ट आ जाएगा और ये वैकेंसी 100% आपको इसकी घोषणा है अक्टूबर के महीने में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उस समय आपको इसकी डेट भी, पिछली बार भी एसएससीजीडी के बारे में आपने देखा होगा वैकेंसी दी हुई थी दिसंबर में और आ गई थी अक्टूबर में, और इस बार मैं अक्टूबर बता रहा हूं, मान के चलिए सितंबर में भी आ सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको तैयारी करनी है एसएससीजीडी की तो भी अभी आप अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप साथ में 11th या 12th कर रहे हो तो भी आप अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आप नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो भी अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। अभी एयरफोर्स में आप सभी को पता है एक बढ़िया वैकेंसी आ गई है लगभग 3500 पोस्ट पर, तो लाड लो घर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, तैयारी करना है तो आप अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, अकेडमी ज्वाइन नहीं तो ऑनलाइन माध्यम से, और मैं ये भी नहीं कहता कि केवल हमारे माध्यम से, किसी के माध्यम से करिए लेकिन तैयारी करिए भाई, ठीक है। ये वैकेंसी 100% कंफर्म है, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको, चेक कर लेना जब अक्टूबर नवंबर का महीना आएगा तब, ठीक है लाड लो। जय हिंद, जय भारत।